सो नमस्कार दोस्तों, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खबर जो देखने को मिल रही है वो ये है कि यूएफआई का यूएफएस किट आने वाला है, जो कि शायद दिसंबर के लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाए। इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और जो है कुछ लोग आपसे एडवांस की भी कह रहे हैं कि भाई आप एडवांस दे दीजिए, ताकि आपको जो फर्स्ट लोट आएगा उसमें आपको जो है यूएफएस किट आपको दी दिया जाएगा। तो उस चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखो, मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ, एज अ डीलर नहीं दे रहा, ठीक है, एज अ रिसेलर नहीं दे रहा आपको, जो मैं एक टेक्नीशियन की हैसियत से आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया देखो, यूएफआई का मुझे तो भरोसा कम लगता है, क्योंकि एक साल पहले जो है अपडेट आया था सॉफ्टवेयर में, समझ रहे हैं आप, तकरीबन एक साल हो ही गया होगा, एक आध महीना ऊपर नीचे होगा, वो मैं उसमें नहीं कह सकता, बट लेकिन तकरीबन एक साल पहले सॉफ्टवेयर का अपडेट आया था, लेकिन आज तक उसका यूएफएस किट आया ही नहीं है। और लोगों ने, कुछ लोगों ने वीडियोज़ भी इस चीज़ की बना दी हैं कि यूएफएस किट दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा या जनवरी के फर्स्ट तक आ जाएगा, यानी जनवरी तक वो आ जाएगा। लेकिन ऑफिशियली ना तो यूएफआई की वेबसाइट पे ये चीज़ है, ना उनके फेसबुक पेज पे है, ऐसे कोई भी डेट फिक्स नहीं करी गई है। उन्होंने बस ये लिख दिया है कि आप प्रे करिए कि कमिंग सून जल्दी आ जाए। कमिंग सून तो एक साल से चल ही रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर वो हमें डेट फिक्स कर दे कि नहीं भैया 31 दिसंबर तक आ जाएगा, 31 जनवरी तक आ जाएगा, 31 फरवरी तक आ जाएगा, या कितनी भी तारीख तक आ जाएगा, तो लगता है कि हाँ भाई, यूएफआई बहुत बड़ी जो अपनी बहुत बड़ी एक कंपनी है यूएफआई, अगर उन्होंने अगर डेट फिक्स कर दी कि नहीं भैया 15 तारीख को आना है, 16 तारीख को आना है, तो वो 16 तारीख को ही अनाउंसमेंट कर देंगे। बट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, अभी तो ऐसा भी कोई फाइनल नहीं है कि हाँ भैया बॉक्स चेंज होगा या यही बॉक्स काम करेगा। और कुछ पिक्चर्स जो है लीक हुई हैं यूएफएस के सॉकेट की, बट लेकिन ऑफिशियली अभी यूएफआई की वेबसाइट पे भी नहीं आई है वो पिक्चर, तो ये कहना अभी ठीक नहीं है कि क्या होने वाला है। और देखो, एडवांस की बात यहाँ तक रही, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता उसका डिज़ाइन कैसा होगा, पिक्चर तो लीक हुई है, शायद हो सकता है वैसा रहे, पर अभी कन्फर्म नहीं, क्योंकि ना तो माटवी फोरम पर ये पिक्चर अपलोड हुई है, ना कहीं पर अपलोड हुई है, शायद डीलर्स को, जो डीलर्स लोगों को जो है दे दिए गए हैं पिक्चर, ठीक है। तो अभी बॉक्स का भी कंफर्मेशन नहीं है कि बॉक्स चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है, यही बॉक्स में काम करेगा बस। मुझे लेकिन जहां तक पर्सन लगता है कि बॉक्स तो चेंज होने वाला नहीं है, इसी बॉक्स पे जो है काम करेगा, नहीं तो अब मान लो 22,000 रुपये का लगभग कीमत, मैंने सुना है कि हाँ भाई 22,000 रुपये की कीमत तक कस्टमर को ये देना है हमें, अब 22,000 वो और 17,000 रुपये का बॉक्स, तो तकरीबन 40,000 रुपये के करीब में हो ही गया, 38-40,000 रुपये के करीब में। अब इससे अच्छा तो बंदा मेडूसा प्रो वगैरह लेगा, ठीक है, और या फिर आप MIPI टेस्टर लेगा, UFI फिर क्यों लेगा, ठीक है, या फिर UFI वो EMMC के रिपेयर के लिए लेगा, फिर मेडूसा प्रो वगैरह की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है बॉक्स तो यही रहने वाला है, बस वो आपका हार्डवेयर जो है चेंज होगा, इसकी किट जो लगेगी अलग से वही आएगी, बॉक्स यही रहने वाला है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि अभी UFI लेना सही है, नहीं है, EMMC के काम के लिए UFI बेस्ट है, और UFI आप ले लीजिए, ठीक है। अभी भी सोच रहे हैं UFI लेने का, तो UFI आराम से ले सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है इसमें जो है बॉक्स चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। और अगर बॉक्स चेंज होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर UFI कोई नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप मेडूसा प्रो की तरफ जाएंगे, उसमें सारा आपको कंप्लीट मिल जाता है, उसकी मेरे हिसाब से स्पीड भी इससे ज़्यादा है। EMMC के मामले में UFI का कोई मुकाबला नहीं है, UFI इज द बेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और रही बात एडवांस की, तो एडवांस के चक्कर में अभी मत पड़ो, ठीक है, नई चीज़ है, नया टूल है, काम करेगा, बग्स कैसे होंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें अभी आने दो। रेट भी डाउन होगा, स्टार्टिंग में रेट अप होगा, महीने दो महीने में रेट फिर से डाउन होगा उसका, ठीक है, तब ले लेना, 1,000-2,000 रुपये अपने मत लगाओ। मैंने आपको बताया कि सब बिजनेस मॉड्यूल है, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है। फर्स्ट माल आएगा, क्या पता उसमें क्या बग्स हो, ठीक है, आपको फिर अगर आप जब माल आने के बाद ही ये देखो कि नहीं आप भाई मुझे लेना है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि भाई ये क्या क्या बग्स निकल के आ रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, फिर उसके बाद ले लेना, ठीक है। फर्स्ट लोड मानता हूँ, वो अगर माल की पूर्ति ना भी डाल पाएं तो हम अगले महीने ले लेंगे यार, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है कि हम जब 1-1.5 साल से रुके पड़े हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया आज ही हमें जो है इसको लेना है या इसी महीने लेना, फर्स्ट लॉट में ही लेना है, मतलब आगे तक हमको जाना ही नहीं है, ठीक है। UFS के इतने कोई फ़ोन नहीं आते हैं कि आपको यही ज़रूरी है, महीने में 2-4 फोन आते हैं, ठीक है, EMMC के रिपेयरिंग के ज़्यादा आते हैं, UFS इतनी ईजिली ख़राब नहीं होती है, ठीक है। और बाकी के और टूल्स हुए, अनलॉक टूल हुआ, UMT वगैरह, इन टूल्स में
यूएफएस का अपडेट आता ही है, उसमें डंप भी रीड कर सकते हैं आप यूएसबी से और बाकी के और भी फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सब्र करो, इतना ज़्यादा उतावले मत बनो, ठीक है। आप किसी को एडवांस वगैरह मत दो अभी, क्योंकि चीज़ें सामने आने दो, क्योंकि अगर आपने अभी 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये किसी को एडवांस में दे भी दिया तो प्रॉब्लम होगी ये कि वो फर्स्ट लॉट में आपसे कहेगा कि भैया अभी ले लो, फिर आगे मेरी गारंटी नहीं है मैं आपको माल इसमें दूँ या ना दूँ, ठीक है। और ये तो मैं पक्का कंफर्म कहूँगा कि उसमें बग्स भी निकलेंगे, उसका रेट भी कम होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी अगर यूएफएस का अपडेट अगर किट आ जाता है, ठीक है। 20,000 के अंदर में रहता है, वैसे 22,000-22,500 रुपये के करीब में अभी ऑफिशियली जो है रेट मैंने सुना है, ऑफिशियली तो अनाउंस कुछ हुआ ही नहीं अभी, ठीक है। क्या रेट है कुछ नहीं, कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, ये सब ऐसे ही चल रहा है, उड़ती उड़ती बातें चल रही हैं, ठीक है। तो 20-22,000 रुपये के करीब में है, तो 20,000 के अगर अंडर में रहता है तो कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि EMMC के काम के लिए जो UFI है बहुत ईजी भी है, सॉल्यूशन भी सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो UFI ठीक है, ठीक है। UFS का किट आ जाता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये होता है कि बॉक्स चेंज करना पड़ता है या कुछ भी और भी कुछ मसला होता है तो फिर और चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो यही था दोस्तों वीडियो में, और ज़्यादा उतावले मत हुआ करो, अपडेट को पहले आने दो, चेक होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।